Uh, अगला सवाल सॉल्व करते हैं क्वेश्चन से इज़ वेन अ बॉडी मूव विथ कॉन्स्टेंट स्पीड अलॉन्ग अ सर्कल हमारे ऑप्शन है नो एक्सलेशन इज प्रेजेंट इन द बॉडी नो फोर्स एक्स ऑन द बॉडी वेलॉस्टी रिमेन्स कॉन्स्टेंट नो वर्क गेट्स डन ऑन इट सो अपना स्नैरियो कुछ ऐसा है कि यह आपकी बॉडी है सर्कुलर मोशन करिए लेट्स से यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे करके पूरा सर्कुलर मोशन यहाँ से यहाँ तक इसने कवर किया है ना इस केस में पहला ऑप्शन है नो एक्सलेशन इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑप्शन आपका सही नहीं है बिकॉज हर पॉइंट पे बॉडी जब भी है वहाँ पे आपका सेंटर की तरफ प्रेजेंट आपका ए सी सेंट्रिप्यूटल एक्सेलेशन होगा तो उस वजह से ये ऑप्शन आपका सही नहीं है नो फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी ये भी ऑप्शन आपका गलत है बिकॉज आपका यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स एफ सी जिसको हम लिखते हैं एम ए सी उसकी वैल्यू हमेशा होगी नो इट्स वेलोसिटी रिमेंस कॉन्स्टेंट ये ऑप्शन भी सही नहीं है बिकॉज वेलोसिटी जो है वो आपकी डायरेक्शन चेंज करती है इस वजह से वेलोसिटी बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी उसकी वैल्यू चेंज होएगी स्पीड सेम रहती है बट वेलोसिटी सेम नहीं रहती है चौथा ऑप्शन है नो वर्क गेट्स ऑन इट नो वर्क गेट्स डन ऑन इट सो यहाँ पे इसको ऐसे देखेंगे वर्क डन जो है उसको हम लिखते हैं एफ़ डॉट एस सो इसको आप लिखेंगे एफ एस कॉस थीटा ना क्योंकि आपका फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगा है डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में है दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होएगा हर वक्त यानी कि थीटा की वैल्यू जीरो होएगी विच वर्क डन बाय टेंशन या वर्क डन जो भी फोर्स इसको गोल घुमा रहा है उसकी वजह से वर्क डन आपका हमेशा जीरो होएगा हैंस ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर